धार जिले के धर्मपुरी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामनोद में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को लंबे समय से प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उनके घर का आर्थिक बजट बिगड़ गया है। बच्चों की फीस भरने के लिए महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र, तो किसी ने अपनी अंगूठी, तो किसी ने अपनी पायल तक गिरवी रखकर बच्चों की फीस जमा की है। कुछ आशा कार्यकर्ताओं को समय पर प्रोत्साहन राशि मिल गई है। जिन महिलाओं का बजट लगभग 6,000 बन गया है, उन महिलाओं को केवल अभी तक मात्र 600 रुपए देकर संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस भीषण महंगाई में घर चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि समय पर भुगतान नहीं होने से हमें कई बार भूखा सोने पर विवश होना पड़ता है। और कुछ आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनके पास पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। पीएमओ सर जोगिंदर डावर जी ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए बजट में कमी की बात बताकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। मैडम का कहना है कि कुछ एक्टिविटी नहीं डली है, तो अगर कुछ एक्टिविटी नहीं डली तो फिर सभी की नहीं डलना चाहिए थी। हमारी दो तीन की क्यों नहीं डली? दो तीन आशाओं का तो पूरा भुगतान जो बना था वो डला है, तो फिर ऐसा क्यों हमारे साथ में अन्याय? आपको और नहीं मिला, आपके कुछ साथी है, हाँ, उनका भुगतान हो चुका है और पूरा भुगतान हुआ है उनका। हाँ, सुनने में आया है कि समय पर आपको सैलरी नहीं मिलने के कारण जो घर का आर्थिक बजट है और बच्चों की फीस भरने के लिए कुछ महिलाओं ने अपनी अंगूठी और मंगलसूत्र तक गिरवी रखे हैं। गिरवी सही बात है ये, कई अभी भी हमारी स्थिति ऐसी है। मैं भी, मैं मीडियम घर से हूँ, कोई इतनी हाई फाई नहीं हूँ, किराए के मकान में रहती हूँ, जॉब करती हूँ। ऐसा मेरा किरण गुप्ता, आशा कार्यकर्ता। डॉक्टर जोगेंद्र सिंह सर, जो महिलाएं आशा कार्यकर्ता है, अभी तक उनको सैलरी नहीं मिली है सर? नहीं, महिला आशा कार्यकर्ता को सैलरी तो नहीं मिलती, प्रोत्साहन राशि मिलती है। जी हाँ सर, कुछ महिलाओं को 6,000 में से मात्र 600 ही रुपए मिले हैं अभी तक सर। नहीं, उसमें जो मिले हैं तो कुछ बजट के हिसाब से दे रखे, और कुछ बजट नहीं आया कुछ इवेंट्स के, और कुछ का आया है तो उनको बता दिया गया कि कौन कौन से जी बजट का नहीं आया तो बता दिया गया। आशा कार्यकर्ता काम करते हैं ना? काम करते हैं, हाँ बिल्कुल काम करते हैं। वो तो आशा कार्यकर्ता कोविड में उन्होंने बेहतरीन अच्छा काम किया, कोविड महाअभियान में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो सर उनको पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा? पेमेंट तो बच्चों का कैसा भरण पोषण करेंगे वो? पेमेंट तो क्या प्रोत्साहन के हिसाब से करते मिलता है, जितना आगे से बजट आता है उस हिसाब से बजट दे दिया गया है। जैसे कुछ महिलाओं के लिए बजट नहीं, बाकी किसी को तो डल नहीं, नहीं अपने कुछ महिलाओं के लिए नहीं है, कुछ इवेंट के जो है उसके बजट नहीं आया तो उनका नहीं मिला है, बाकी जो बजट है उनके जिस जिसके इवेंट के आता है उनका बजट मिल दे दिया गया। तो सर इनको बजट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गवर्नमेंट का है, मिल जाएगा उनको, आएगा। सर क्या कारण है कि अभी तक इनको केवल तारीख पे तारीख ही मिल रही है अभी तक? नहीं, तारीख पे तारीख तो नहीं मिल रही, ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि बजट जब भी आता है तो हम उस हिसाब से बजट दे पेमेंट दे कर देते हैं। तारीख का तो कोई नहीं कह सकते, क्योंकि बजट आएगा तो ही अपन बोल सकते हैं। क्या संभावना है पेमेंट कब तक आएगा? संभावना जैसे आ जाएगा हम दे देंगे। आपने कुछ लिखित में ऊपर भेजा? हाँ, वो लिखित भेज रखा, बता दिया। हाँ ठीक है सर, चल इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। की हूँ, वार्ड नंबर 10 से आशा कार्यकर्ता। हमारी समस्या है कि हमारा जब भी पेमेंट होता है तो मैडम की सीट में तो पूरा बनता है, पर जब पेमेंट खाते में आता है तो वो कम डलता है, तो वो किस कारण? या तो हम मैडम से यही पूछना है कि वो किस कारण कम डला है, कौन सी एक्टिविटी नहीं डली है? वो तो नहीं काम के, आप फील्ड में जाओ, जैसे मैडम ने काम बताया। हाँ। आप काम भली भांति आप काम नहीं करते होंगे। नहीं, ऐसा वहाँ पर आपको ड्यूटी दी गई है। हाँ। वहाँ पर परिपूर्ण रूप से काम करने तो नहीं, इन्होंने जिस दिन पैसे कट गए होंगे। नहीं ऐसा होता ही नहीं है कि हम काम नहीं करते थे, फिर ये चेक करें फील्ड में जाके हम काम नहीं कर रहे। अच्छा, आप आपका काम कर रहे हो? हम हमारा काम कर रहे हैं ना, हमारा काम काम कर रहे हैं, उसी का तो भुगतान मांग रहे हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो ये भुगतान थोड़ी बना के देंगे हमको। हमारा जो भी काम करते हैं उसका पूरा हम भुगतान बना के देते हैं, एक एक कागज बना के देते हैं, उसके बाद ही हमारा भुगतान डलता है। अच्छा। कागज चार बार चेक होते हैं, उसके बाद ये सीट बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने दे दिया और इन्होंने सीट बना दी। आपका भुगतान कितना हो रहा है? मेरा 6,000 का भुगतान बना था, जिसमें से मेरे 600 रुपये डले हैं। अब ये बोलते हैं पासबुक में एंट्री करवा के ला, हाँ एक जीरो गायब हो गया है, मतलब पूरे डकार गए, पूरे डकार गए, यही कहे ना? हाँ यही कहेंगे। हमारा अकाउंट में नहीं आया, जिस हिसाब
से बना के दिया उतना पूरा पूरा मैं बना के दे चुकी हूँ, डीएमओ साहब को दे चुकी हूँ, अकाउंटेंट को दे चुकी हूँ। अब आगे क्या समस्या है, बजट वाली है, जो भी है वो बता पाए। अब आप बताइए ये समस्या का समाधान कौन करेगा हमारा? मेरा काम कौन करेगा? इनसे वर्क करवाना और शीट बना के मैडम जो शीट बनाते हैं वो तो पूरा नेशनल भी आता है, वो सब आता है, पर इसका ये सब मेन चीज ये है कि इसके समाधान कौन करेगा, आप ये बताओ। मैडम आपका राइट है कि आप इनसे काम तो आप पूरा लेते हो पूर्ण रूप से। धार जिले के धामनोद स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मातृशक्ति बैठी हुई है जो ये आशा कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर इनके सुपरवाइज़र भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अपना काम भली भांति कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं जो अपना काम कर रहे हैं। पर ये मातृशक्ति जो गाँव खेड़े खेड़े जाती हैं महिलाएँ, और ये काम चार चार पाँच पाँच किलोमीटर की दूरी पैदल चल कर काम करते हैं, वो ये भी अपने कार्य से परिपूर्ण रूप है। पर हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर क्या समस्या लेकर आए हो, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, महिलाओं से कोरोना महामारी में कार्य बड़ी जवाबदारी के साथ कार्य की करवा लिया जाता है, जो इनको ज़मीनी स्तर पर पैसा नहीं दिया, जैसे अभी किरण जी ने बताया है 6,000 रुपये का मेरा पेमेंट बन रहा था, जिसमें से 10 गायब करके 600 रुपये मात्र डाल दिया गए हैं। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी विडम्बना दिखाई दे रही है कि इन मातृशक्ति का पैसा भी कुछ अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी कहूँगा मैं तो, अब भ्रष्ट अधिकारी ही पैसे डकार रहे हैं। किस प्रकार से इनके पैसे का उल्लंघन किया जा रहा है, जो रात दिन 24 घंटे जो इनके पति भी कहीं ना कहीं इनसे महिलाएं पीड़ित हैं, जो शराब पीकर इनको गाली गलौज करते हैं और ऐसी पीड़ा झेलकर वो 5-5, 6-6 किलोमीटर की दूरी पर पैदल चलकर जाती है। इस महिलाओं का पैसा अधिकार है या नहीं है आप ही बताइए हमें। और मैं कुछ महिलाएं मेरे साथ और जुड़ी हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। जी आपका बारे में सूचना भी दे चुकी हूँ मैं बीएमओ साहब को कि सर इन लोगों के द्वारा मेरे को बताया गया, एंट्री करवाई जब इन्होंने कि मैंने जो पेमेंट किया, जो सहयोगी ने मुझे बना के दिया जी। तो उसको मैंने सॉफ्टवेयर पे डाला और फिर सर को शीट दी, अकाउंटेंट को शीट दी, है ना, जो मेरा टाइम लिमिट है उसमें मैंने शीट दी। तो उसके बाद इन लोगों ने जब एंट्री करवाई, इनका पेमेंट डाला, तो इनके पास खाते में कम अमाउंट आया जो मेरी शीट बनी थी उससे। तो वो मैंने पूछा तो सुनिए, हाँ सुनिए, तो कम अमाउंट आया। फिर मैंने अकाउंटेंट से बात की, बीएमओ साहब को भी बताया, तो उन्होंने कहा कि कुछ एक्टिविटी में अपने पास अभी बजट नहीं है, जिसके लिए अपन ने जिले पर डिमांड भेजी है, आगे स्टेट में जिले वालों ने स्टेट पे दी है, तो कुछ ब्लॉकों में मतलब उन्होंने एक्टिविटी में पेमेंट कम आया हुआ है और कुछ एक्टिविटी में पेमेंट है ही नहीं, जिसकी डिमांड आगे कर दी गई है, तो जैसे ही पेमेंट आएगा वो पेमेंट हो जाएगा इनका जो बाकी है, ये बताया गया मुझे। जी आपका सुनना। मेरा नाम स्वाति वर्मा है, बीसी। देखिए यहाँ पर वार्ड में फील्ड में चेक करने भी यही जाते हैं। क्या नाम है आपका? पहले नाम मेरा किरण पटेल नाम है। किरण जी पटेल, हाँ। क्या कुछ समस्या है? ये हमारे से जो ऊपर है ना आशा सहयोगी, ये हाँ। हमारा काम देखते हैं हाँ। हमारे फील्ड में जाते हैं विजिट हाँ। करने के लिए हाँ। भुगतान भी यही लेते हैं हाँ। और ये सीट बना के मैडम को देते हैं। अच्छा। तो मैडम भी जो भी सीट बनाते हैं, इनके पास से मैसेज तो पूरा आता है हाँ। पर जब आगे जाता है नहीं, वो खाते में हमारा पेमेंट नहीं आता, बाकी हमारे से कट के आता है। और हमारे से जो ऊपर है ना आशा सहयोगी, मतलब ये हमारी आशा सहयोगी है, फील्ड में चेक करने यही जाते हैं। ठीक है, हम उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे और हम उनसे भी बात करते हैं।